हाय एवरीवन, माय नेम शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टरलॉजी। सो गाइस, कल है मंडे, किस तरीके से ट्रेड लेने हैं, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप है और कौन से स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, जब से हमारी ना फेब का या बजट से एक दो दिन पहले 28th of January से हम लोगों की एनालिसिस में बहुत चेंज आया है और हम अपनी जो एनालिसिस कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर हो गए तो आपको पता होगा कि हम एक सिस्टमैटिक वे पे एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं एंड उसी के बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड ले रहे हैं और उसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और लेने के तुरंत 5 मिनट बाद ही वो एक अच्छे मोमेंटम देता है। सो आई थिंक अभी तक हमारी एनालिसिस बेस्ट चल रही है, पिछले हफ्ता भी बहुत बढ़िया गया था, आई होप कि हमारा नेक्स्ट वीक भी बहुत अच्छा जाए। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर ज्वाइन हुएगा, बिकॉज वहां पर बहुत नॉलेजेबल कंसेप्ट और फैक्ट्स के बेसिस पे हम आपको सिखा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग शॉर्ट वीडियोज क्रिएट कर रहे हैं विद इन अंडर 1 मिनट के अंदर इंस्टाग्राम के अंदर थ्रू रील्स, जिसपे आप बहुत कुछ और सीख सकते हैं, कौन सी ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स है पेपर ट्रेडिंग के, किस किस को करना चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें पोस्ट के बेसिस पे भी हम लोग आ रहे हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके भी हमें फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक करना क्या है। देखिए, बजट का जो एक्सपायरी थी वो तो खत्म हो गई है और वो अच्छी हमें देखने को मिली है। अब नेक्स्ट वीक कैसे होने वाला है, क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कैसे आगे जर्नी बढ़ेगी, तो वो सारी बातें करेंगे इस सेशन के अंदर। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं और नई लेकर आ रहा हूँ जिसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है सुमी कैम्प। सुमी कैम्प को अगर आप चेक करेंगे, एक बहुत अच्छी मोमेंटम दे रहा है, मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड एक हायर हाई एक हायर लो की रेंज के अंदर ये मेंटेन कर रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, एक बड़ी इंपल्स मूव आई, आफ्टर दैट एक छोटा सा फॉल करा, एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करा और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट अभी हमें देखने को मिला है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा ये एक लेवल था जिस लेवल पे मल्टीपल बार यहाँ सपोर्ट्स लिए थे आफ्टर गिविंग अ ब्रेक डाउन, यही इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और फाइनली जाके इसका ब्रेकआउट देखने को हमें मिला है। सो आई पर्सनली थिंक ये एक अच्छी मोमेंटम दे सकते हैं और आराम से ही अपने प्रीवियस लेवल्स तक यानी कि इस अपर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइंस को टेस्ट कर सकता है। स्टॉक का नाम है सुमी केमिकल, सुमेटो केमिकल, एंड आप डेफिनेटली इसे एज अ वॉच लिस्ट जरूर रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। गाइस, दूसरे स्टॉक में जाने से पहले आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोगों ने दोबारा अनाउंस कर दिया है सैटरडे संडे, एवरी वीक सैटरडे संडे को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वेबिनार्स जिसपे आपको एक चार्ट पैटर्न के ऊपर पूरी थॉरली स्टडी करवाई जाएगी, जिसपे आप एक्सेल कर सकते हो उस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के अंदर, और वो चार्ट पैटर्न कोई और नहीं फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही है। अगर आप देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको लगता होगा इट्स वेरी इजी कि जो हमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला, वी गो फॉर अ बाय और बियरिश में हम लोग सेल कर देते हैं, बट एग्जैक्टली डार गाइस ये सिंपल इतना नहीं है। आप देख सकते हैं कि 6 टाइप के एक्चुअल में आइडेंटिफाइबल फ्लैग पैटर्न्स होते हैं और किस किस तरीके से मैं क्या क्या चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, यू कैन रीड दिस। और अगर आपको जानना है कि हमारा एक्चुअल में जिस लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करा, ऑलमोस्ट 2500 लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं ये वर्कशॉप और 4.8+ तक की रेटिंग हमारे गूगल रिव्यूज़ पे ऑटोमेटिकली पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं और रिव्यूज़ सारे पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, आपको पता चल जाएगा। तो इस 13th of February को हम लेकर आ रहे हैं अपना फ्लैग एंड पोल इंटरैक्टिव वर्कशॉप और उससे पहले 12th of February को सैटरडे को हम लोग लेकर आ रहे हैं साइकोलॉजी का वर्कशॉप, क्योंकि हमें पता है कि यार साइकोलॉजी इज़ द मेन पार्ट और उसके बाद ही हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एंटर करते हैं। अब इसके अंदर आपको बताई जाएंगे आपके ह्यूमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो आप लोग एक्चुअल में रियल लाइफ में फेस करते हो और वो कैसे रिलेटेबल एक्चुअल में है आपके स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट से, और वहाँ पर आप तभी क्यों अपने इमोशंस फियर्स एंड इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड हम पूरी जड़ में जाएंगे कि कैसे एक रीज़न हमने जो निकाला है कि फियर कंट्रोल करने का, जिससे हम पूरा वैनिश कर सकते हैं, वो भी पॉइंट इसके अंदर कवर है। प्लस एक पार्ट होने वाला है सिक्योरिटी साइकोलॉजी का, ह्यूमन वर्सेस सिक्योरिटी साइकोलॉजी का, जिसके अंदर हम चार्ट्स पे जाएंगे, लाइव चार्ट्स पे देखेंगे और आप मुझे बताओगे और मैं आपको आइडेंटिफाई भी करके दूंगा कि आप कहाँ कहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ करते हो और कहाँ पर आपको 1:10 का रिवर्स डिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है और आप 1:1 पे ही निकलते हो और कहाँ पर आप ग्रीड और फियर्स को कंट्रोल कर सकते हो।
सो गाइज बहुत बहुत एडवांस वर्कशॉप्स होने वाले हैं ये दोनों, और आई मस्ट से कि आपको ये दोनों लेना चाहिए। अगर कोई भी चाह रहा है कि आप इनमें से लेना पसंद करो तो डेफिनेटली गाइज दोनों को साथ में लेना, क्योंकि अगर साइकोलॉजी का और कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है वो कंसेप्ट समझ गए तो चार्ट पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और यहाँ पर आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सो दोनों के लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे डाल रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस अगर अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमने वहाँ पर भी लिंक शेयर करा हुआ है। आप ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके थ्रू कि मैं साइकोलॉजी में क्या कवर कराऊंगा, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई थिंक वो आपके लिए रिलेटेबल डेफिनेटली रहने वाली है। चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे। सो गाइस हमारा दूसरा स्टॉक है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे पे ये कंटिन्यूस बेसिस पे हायर राइज एंड हायर लोज मेंटेन कर रहा है और एक अच्छे लेवल पे ही ऊपर चल रहा है। यस, हम देखते हैं एक बड़ी मोमेंटम आती है, आफ्टर दैट ऑन अ लोअर लेवल एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, बट लोअर लेवल से भी एक रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। सो अभी मैं प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा हूँ सीखने की और अच्छे से समझने के कंसेप्ट को, RSI को। क्या RSI मुझे एक्चुअल में ज़्यादा पसंद आता नहीं था, बट अब मैं कुछ सिंपल वे में, बिल्कुल ना लॉजिक ज़्यादा यूज़ करना ना ज़्यादा एक्सेल इसको ऊपर करना, बट सिंपल वे में कैसे हम RSI के बेसिस पे एक बेस समझ सकते हैं कि कहाँ पर बेस है। बिकॉज अगर मुझे बेस पता चल गया तो मैं एग्जैक्टली अगर उसके पास बाय करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम होगा और मेरे टारगेट्स एक्सट्रीम हो सकते हैं। सो प्रैक्टिस जा रही है, अगर मुझे कुछ इस पर और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं डेफिनेटली मैं एक वीडियो आपके साथ कंडक्ट करूँगा, बट अभी नहीं, कोई मैं आपको वैसे ही नहीं देना चाहता जिसकी एक्यूरेसी अच्छी ना लगे आपको। एंड यही एक ऐसा स्टॉक है जिस पर मेरी पहली आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ टोरेंट पावर पे, तो एक अच्छा ब्रेकआउट आया, एक राइजिंग चैनल के अंदर है, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस लेवल और एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपने प्रीवियस लेवल्स तक जो कि 600 रुपये तक का है वहाँ पर इजिली पहुँच सकता है। अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये RSI हम लोग ने बना रखा है, ये दो रेंज है जिस रेंज के अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही थी, एंड उसके बाद एक बड़ा इन्वर्स इसने दिया है। सो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक इसकी बहुत अच्छी अपसाइड बाकी है अगर हम RSI के बेसिस और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे भी देखें। सो मुझे लगता है कि स्टॉक को हमें अपने बाय लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की, इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। सो गाइस हमारा लास्ट स्टॉक है VRL लॉजिस्टिक्स। VRL लॉजिस्टिक्स ने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अब फाइनली लास्ट वीक के अंदर एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिली है जो हमें बास्ट फ्यू वीक से देखने को नहीं मिल रही थी, और अब मुझे लगता है कि एक बड़ी अपमूव रैली ये कंटिन्यू कर सकता है। तो स्टॉक का नाम VRL लॉजिस्टिक था, एंड अगर आप देखेंगे तो 2015 से ये इसके लिए एक लाइफ टाइम हाई क्रिएटेड था जिसको 2018 पे भी इसने टेस्ट करने की कोशिश करी, बट एक ब्रेकआउट बहुत बड़ा आया। आफ्टर दैट ये हल्के हल्के हायर राइज हायर लोज मेंटेन करते करते फाइनली इसने 2021 के लास्ट में एक ब्रेकआउट दिया, एंड ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 4 से 3 महीने तक ये कंसोलिडेट करा और फाइनली लास्ट वीक के अंदर इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। सो आई पर्सनली थिंक एक अच्छी मोमेंटम दे सकता है। अभी तक इसने लाइफ टाइम हाई ब्रेक नहीं करा बिकॉज जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसका ऊपर अभी तक गया नहीं है, एग्जैक्टली उसको टेस्ट जरूर कर दिया है इसने कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो अब मुझे लगता है कि अगर ये 535 के ऊपर निकलता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली बन सकती है, और अगर आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट ये 138 रुपीज से 535 तक आ चुका है, तो हम लोग लोअर लेवल्स के अंदर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटीज एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक हाईस पे हाईस क्रिएट कर रहा है, स्टॉक धीमे लेवल से ऊपर जा रहा है बट कंटिन्यूस बेसिस पे रैलीज की अपसाइड है। सो आई थिंक एज अ स्विंग ट्रेड, एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेड, एज एन इंटरडे ट्रेड, तीनों इस पे बन सकते हैं। सो मैंने निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो हम पास्ट फ्यू वीक से बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग 28 जन जो मैंने आपको बताया था तब से हमारी जर्नी अच्छी चल रही है। किस रीजन से चल रही है लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी डाउनफॉल के बाद इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस लेवल, उसके बाद एक अच्छी अपूवाई अपने प्रीवियस लेवल्स को ब्रेक करा, दैट मीन्स कि एक बुलिश मोमेंटम को आने के लिए, एक बुलिश ट्रेंड को आने के लिए हमें दो कैटेगरी चाहिए होती है, एक तो हायर हाई और एक तो हायर लो। डेफिनेटली एक हायर हाई का आ गया ब्रेकआउट बट हमें एक हायर लो भी चाहिए था, एंड ये था इसका लो, बट इसके ऊपर डेफिनेटली इसने शिफ्ट करा और एक यहाँ से इसने रिवर्सल देखने को मिला। सो व्हाट वी डू, अगर आप चेक करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, हमने ये फिबोनाची ड्रॉ करा था, फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद 50% और 61% का लेवल दिख रहे हैं, एग्जैक्टली इस लेवल पर हम लोगों ने आपको एज एन एंट्री दी थी और अगले दिन एक बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। अगेन एक रैली आई थी, एक अच्छी रैली आने के बाद हमने दोबारा बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करा, ये रहा बॉटम, अगेन ये रहा टॉप, दोबारा ये 50% और 61% पे आया, इस लेवल पे हमने दोबारा री एंट्री करी और हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला।
अब रिसेंटली 1:17 पे, अगर आपको याद होगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे मैंने आपको बोला था मार्केट फॉल कर रही है बट एक रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मतलब एक झटके वाला रिवर्सल आएगा और वहां पर आपको 50-60 रुपये ऑन निफ्टी, 200-300-400 रुपये ऑन बैंक निफ्टी इजिली मिल सकते हैं। तो कैसे पता लगाया था? सिंपल वे में, जो पास्ट में चलते हुए आ रहा था एग्जैक्टली उसी के वे में। अगर आप देखेंगे, लेट मी रिमूव दिस फिबोनाची एंड ये रहा हमारा बॉटम, ये रहा हमारा टॉप। एग्जैक्टली दोबारा 50 और 61% पे आया। इसी लेवल पे हम लोगों ने आपको दिया था 17,480 पे और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,570 तक गया था। 90 पॉइंट्स की रैली उसने तुरंत दे दी थी निफ्टी के ने और आई पर्सनली थिंक एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली। अब बात आती है दूसरी, कि अब करना क्या है। देखिए, एक फॉल आ गई है और फॉल आना अच्छी बात होती है, बट हमें देखना क्या है कि अब हमें बाय कहाँ करना है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये एक छोटा सा हर्डल है जिस हर्डल के बेसिस पे अभी हम लोग अटके हुए हैं। सो व्हाट वी कैन डू, अभी जो करंट का प्राइस चल रहा है 17,500 और डेफिनेटली ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 17,500 एक बहुत लॉजिकल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक्ट कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही 17,545 के ऊपर 15 से 20 मिनट भी सस्टेन कर लेती है तो हम अपना एक बाय सेटअप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कल इसी लेवल पे ओपन होता है और गैप डाउन भी देखने को मिलता है तो हम लोग वहां पर अपनी एनालिसिस को इंक्लूड नहीं करेंगे और कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट नहीं करेंगे और तब आई पर्सनली फील कि ये वाला लेवल ईजिली आ सकता है। बट जब शॉर्ट की बारी आएगी तो टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेशेंसली वेट करना है। 17,540 के ऊपर ही हम लोग अपना एक बाय सेटअप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, सिमिलर स्ट्रक्चर जो निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिला था। इस लेवल से एक रिकवरी आई, इट क्रिएटेड अ रिट्रेसमेंट एट 50-61% फिबोनाची। इस लेवल पे हमारी एंट्री थी, अगेन इस लेवल पे हमने एंट्री करी, अगेन इस लेवल पे हम लोगों ने एंट्री करी और अगेन इस लेवल पे 1:17 पे हम लोगों ने इस लेवल पे एंट्री करी थी जब प्राइस चल रहा था 38,630 रुपीज़ का और इसने जो हाई क्रिएट करा था 38,900 रुपीज़ का। सो ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि एक बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिली। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर इसने तो एग्जैक्टली 50 को टेस्ट करा बट निफ्टी ने 61 को करा, ये कैसे आपने यहाँ पर बाय सलाह दे दी हमने। तो यहाँ पर अगर आपको समझनी पड़ेगी, निफ्टी ने जब 61 को टेस्ट करा था तब बैंक निफ्टी ने 50 को करा था। दैट मीन्स अगर निफ्टी के अंदर 61 से रिवर्सल आएगा तो 50% जो बैंक निफ्टी ने टेस्ट करा है वो उसके लिए एज अ सपोर्ट ही काम करेगा। ठीक है, तो इसी लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई। So, यहां पर भी सेम सिचुएशन है, अगर कल ये नीचे भी जाता है तो 38,350 तक तो मेरे लिए कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं क्योंकि ये दोबारा अपने इस रेंज के अंदर एंटर कर सकता है और उससे ज्यादा बड़ी फॉल मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। तो अगर ये यहाँ पर फॉल आती है तो डेफिनेटली मेरे लिए बैंक निफ्टी में कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं होगा। बट अगर कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ट्रेड आती है तो डेफिनेटली मैं एक बाय ट्रेड तो लेना प्रेफर करूंगा। अब बाय ट्रेड कैसे लेना है, लेट मी टेल यू। यहां पर आप ये एक लेवल देख रहे हैं जिस लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, दैट इज 38,930 रुपीज का लेवल, एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है विद अ टारगेट ऑफ 39,300-39,330 रुपीज का। सो बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर हम लोग याद करके चल सकते हैं कि किस तरीके से हमारी एनालिसिस परफेक्ट चल रही थी। आप ऑडियो चेक कर सकते हैं बिकॉज मैं ऑडियो के थ्रू टेलीग्राम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट डाटा की एंड उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप लोग कुछ सीख रहे होंगे। ये सिंपल एनालिसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ना वर्कशॉप सबसे पहले कवर करी जाएंगी। अगर आपको नहीं पता कैसे फिबोनाची बनाते हैं, कैसे ये सिंपल वे पे इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स को कैप्चर करी जाती है, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे। तो आई विल मीट यू डायरेक्टली ऑन अ लाइव ऑन 12th and 13th of February। तो प्लीज़ मेक श्योर to join both of the workshops and I can guarantee you guys it's a money back guarantee. पसंद नहीं आता अपने पैसे वापस ले सकते हो। दूसरी चीज, आपको आपका नाम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने वाला है जिसको आप एज अ रिज्यूमे यूज कर सकते हो अगर आप दूसरी कंपनीज पे अप्रोच करने जाते हो, ट्रेडिंग साइट से रिलेटेड जाते हो, या अपने रिज्यूमे भी ऐड कर सकते हो, वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके रिज्यूमे पे रखेगा। सो मिलता हूं मैं आप लोगों से वहां पर, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। बात करते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट डाटा। तो गाइस, अब एक्सपायरी है 10th of February की। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो 17,800 पे हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, 18,000 के अंदर हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और 17,600 के अंदर भी हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं।
अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स ना बहुत ज्यादा दूर एक्टिव है, 17,800 और 18,000 पे। हाँ, हम ये मान के तो चल सकते हैं कि एक्सपायरी को अभी टाइम है, 4 दिन है, 3 दिन है, तो इतना दूर कवर है। बट हमें कल जब मार्केट ओपन होगी तो हमें पता चलेगा क्या ये लोग आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्या इधर ही लेवल पे ही अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं। अगर ये सारे कॉल राइटर्स 17,800 वाले भी इधर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, 18,000 मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सो दैट मीन्स कि एक बड़ी मोमेंटम हम लोग इस लेवल के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर 18,000 पे कल पोजीशन कम होती है और वो इधर की तरफ बढ़ती है तो दैट मीन्स कि आने वाले 100-200 पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट 100-100 पॉइंट में एक्टिव है, बट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास नहीं है। सो अभी के लिए हम मान के चल सकते हैं कि निफ्टी पे तो एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी में उसको हम ज़्यादा बढ़िया कंसिडर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखेंगे 39,000 पे एक हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है, 39,500 पे एंड 40,000 पे, हर 500-500 पॉइंट पे बड़े कॉल राइटर्स एक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक पे एक जो एक्सपायरी हमें देखने को मिल गया वो बजट से रिलेटेड थी। उसके बाद फ्राइडे आया, फ्राइडे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो इतने बड़े बड़े आगे दूर दूर कॉल राइटर्स और इतने दूर दूर पुट राइटर्स एक्टिव हैं, इसी रीज़न से एक्टिव है कि अभी एक्सपायरी को आने में टाइम है, तो वो लोग ज़्यादा पीछे की कॉल्स या पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। कल जिस तरीके से मार्केट चलेगी हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसमें अभी कोई स्टेबलाइज हमें देखने को सिचुएशन मिल नहीं रही है, तो अभी के लिए हम ज़्यादा फायदा नहीं देंगे, कल इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो गाइज हैव अ वेरी गुड डे, आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपने कुछ सीखा होगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू ज्वाइन बोथ ऑफ दीज वर्कशॉप्स। और नहीं पसंद आता है डेफिनेटली आप यहाँ हमारे रिव्यूज पढ़ सकते हैं, प्रॉफिट्स देख सकते हैं, खुद गूगल पे सर्च कर सकते हैं हमारी कंपनी का नाम द इन्वेस्टोलॉजी, एंड वहाँ पर आप सारे रिव्यूज को भी चेक कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा प्लस मनी बैक करें। Have a very good day guys, I will meet you on live in a